उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2108 पॉलिटेक्निक्स करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने शुभकामना देते हुए कहा कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश के 2100 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इसको लेकर छात्रों में खासी खुशी है। मोदी जी के संकल्प कि एक अगले एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्रावधिक शिक्षा के 2100 से भी ज़्यादा जो बच्चे जो विभिन्न विभिन्न संस्थानों में जिनको प्लेसमेंट मिला है उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं उनको 100% भरना है। पत्र आज वितरित किए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। 2108 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उनको रोजगार मिला है। और इस मौके पर युवाओं ने भी कहा, उन्होंने शुक्रिया अदा किया धामी सरकार का और कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को, पढ़े लिखे होनहार छात्रों को अब रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। रोजगार मेले के माध्यम से जो तमाम शिक्षित युवा हैं, होनहार युवा हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और आज नियुक्ति पत्र वितरित किए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, चेहरे जो हैं युवाओं के खिलते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, जब अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिलेगा तो उनका आत्मबल, उनका आत्मविश्वास और उन्नत होगा। और प्रदेश सरकार लगातार इस प्रयास में है कि रोजगार मेले के माध्यम से अधिक छात्रों को, युवाओं को रोजगार मिले। कोविड का साल रहा 2020-21 में, उसके बाद से 3 सालों से लगातार जो है इस तरीके से जो नए रोजगार की उपलब्धता प्रभावित रही है और सरकार इसे भली भांति समझ रही थी। पिछले 3 वर्षों में अगर हम देखें तो यही वजह रही कि लगातार ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से विभिन्न स्थानों पे जो रोजगार मेले लगाए गए, और ऐसे में जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनको लेके विशेष तौर पे ये कोशिश की गई कि जो इससे जुड़े हुए जो एजेंसियां हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको कहीं ना कहीं राज्य में लाया जाए और रोजगार मेले में कहीं ना कहीं जो छात्र पहुंच रहे हैं उनका जो है कहीं ना कहीं उनको नौकरी के नए अवसर प्राप्त कराया जाए। खास तौर पर अगर हम देखें तो आज जिस प्रकार से जो पिछले दिनों रोजगार मेला देहरादून में लगाया गया था, उन्हीं में से जो छात्र कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं वो आज उनको जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटी गई, एक बड़ा कार्यक्रम किया गया मुख्यमंत्री आवास में जिस प्रकार से, और ऐसे में हमने देखा कि मुख्यमंत्री द्वारा तकरीबन 272 ऐसे अभ्यर्थी थे पॉलिटेक्निक के जिनको ये प्रतिनियुक्ति बांटी गई। इस दौरान जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। साफ तौर पर अगर हम देखें कि पिछले साल भर के अंदर सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे, चाहे वो देहरादून हो, हल्द्वानी हो, अन्य स्थानों पे रोजगार मेले का जो आयोजन है वो कराया था और पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए जो भी ऐसी कंपनियां हैं उनको इसमें बुलाया गया था, और ऐसे में तमाम ऐसे बच्चे जो इसमें सेलेक्ट हुए थे उनको आज तकरीबन 272 अभ्यर्थियों को ये जो नियुक्ति पत्र है वो बांटी गई थी। कई ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बने। साफ तौर से अगर हम देखें ये कोशिश है
ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की, और उसी दिशा में ये काम किया गया सरकार की तरफ से। और ये सरकार की कोशिश है कि पॉलिटेक्निक के अलावा और भी सेक्टर के जो यूथ हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और उस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और ऐसे अन्य भी जो रोजगार मेले अभी कराए जाने बाकी हैं, और इसी प्रकार से रोजगार के जो नए अवसर हैं उसको खोलने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जी पूजा, सरकार का ये कहना है ज्ञानेंद्र कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको रोजगार मुहैया हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। युवाओं का इस दौरान क्या रिएक्शन रहता है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, युवाओं के बीच में आप रहे होंगे, इस कार्यक्रम के दौरान किस तरह के रिएक्शन थे युवाओं के? बिल्कुल, ये अगर हम देखें तो काफी लंबी मशक्कत हो जाती है युवाओं को कहीं ना कहीं डिप्लोमा और कहीं ना कहीं डिग्री लेने के बाद उनको रोजगार के को ढूंढने को लेकर। और ऐसे में ये कोशिश जो सरकार की है, अगर हम इसी कार्यक्रम की देखें तो तकरीबन इस पूरे कार्यक्रम में जो छात्र पहुंचे थे उत्साह उनके चेहरे से साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 8 मई को जो रोजगार मेला आयोजित किया गया था देहरादून में, उसमें तकरीबन 403 अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे, जिसमें कि छात्र छात्राएं दोनों शामिल थे। और ऐसे में प्लेसमेंट के जरिए इन लोगों को ये अवसर नौकरियों का जो कहीं ना कहीं मिल रहा है उससे उनके चेहरे पे उत्साह साफ तौर पे देखा जा रहा था। और सरकार की जो कोशिश है कि बड़ी कंपनियों को प्लेसमेंट के लिए बुलाए रोजगार मेले के तहत और युवाओं से उनका साक्षात्कार कराए, तो ये युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प था। यही अवसर इस अवसर पे उनके अंदर एक खुशी साफ तौर पे देखी जा रही थी, और ये कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराया जाए, उनको नौकरियां उपलब्ध कराई जाए, और उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रोजगार मेले का आयोजन के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2108 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए।